हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूंगी कि मैं जा रही हूं ग्वालियर और मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है और हम लोग देखिए रेडी भी हैं। ये देखिए ये लोग भी रेडी बैठी हुई हैं और मैंने सारा सामान उठा करके भी रख दिया है, यहाँ से गद्दे वगैरह सब कुछ हटा दिए हैं ताकि धूल मिट्टी आएगी तो प्रॉब्लम ना हो और गंदे ना हो मेरी कोई चीज़, तो मैंने यहाँ से पूरा क्लीन कर दिया है देखिए। और ठाकुर जी महाराज भी मेरे तैयार बैठे हैं, ये देखिए मेरे कान्हा जी भी तैयार बैठे हैं जाने के लिए नहा धो के। आज उन्होंने नई ड्रेस पहनी हुई है, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये उनके उनका सामान भी यहाँ पैक हो गया है, ये इसमें उनका सामान रखा है मैंने सारा। ये देखिए इसमें इसमें उनके कपड़े रखे हुए हैं बॉक्स में, और इसमें धूप बत्ती है और इसमें दिया वगैरह रखा हुआ है। इसमें मैंने बाती रखी है उनके लिए, शाम को पूजा करूंगी तो। ये माचिस है और ये रोरी चंदन है, तो ये उनका सामान पूरा पैक हो चुका है। और ये उनके लिए फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स रखे हैं भूख लगाने के लिए, जो उनके खाने के लिए, तो मैं ये फिर से पैक कर लेती हूँ। और अभी उनका पानी भी रखना है मुझे, पानी के लिए ग्लास भी रखना है और प्लेट भी रखना है। ये तो अभी तो उनका भोग लगाया था तो ये रखा हुआ है, और उसके बाद में मैंने एक बोतल भी भरी है उनके अलग से पानी के लिए, तो ये सारा सामान मेरा जाएगा उनके साथ। और इसके लिए मैंने अपनी किचन भी क्लीन करके रख दी है, पूरा साफ सामान बर्तन वगैरह सारे क्लीन करके रख दिए हैं, सिंक वगैरह खाली कर दी है और सारी खिड़कियाँ भी लगा दी हैं और गेट भी लॉक कर दिया है पीछे का। और ये देखिए गेट के नीचे मैंने ये लगाया है ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना आ जाए, क्योंकि पीछे की साइड में हमारे कीड़े वगैरह डर रहता है। तो ये और सारा सामान मैंने यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि ये देखिए पूरा हो चुका है। अभी अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि ऑफिस गए हैं वो कुछ काम करने के लिए, अभी ऑफिस से आने के बाद में हम लोग निकलेंगे। सामान पूरा मैंने गाड़ी में रखवा दिया था सुबह ही, बस मेरा एक बैग रह गया है जिसमें कि खाने का सामान है। और यहाँ से भी मैंने पूरा पैक कर दिया, खिड़की वगैरह सब लगा दी है सारा। देखिए मैंने ये पूरे गद्दे बाहर से ला के यहाँ पर रख दिए ताकि गंदे ना हो, और मेरा पूरा सब कुछ काम हो चुका है बस। और मैंने सब कुछ लॉक भी कर दिया है, तार वगैरह भी निकाल दिए, स्विच ऑफ कर दिए हैं ताकि मेरे बाद कोई प्रॉब्लम हो, और आंधी तूफान आते हैं तो बिजली वगैरह का भी डर रहता है, तो लाइट्स वगैरह मैंने सारे स्विच ऑफ कर दिए हैं। बस टीवी चल रही है क्योंकि ये लोग अभी बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं इसलिए टीवी चल रही है। और ये देखिए मैं भी रेडी हूँ बिल्कुल जाने के लिए, और मैं जा रही हूँ अपने ससुराल ग्वालियर, ग्वालियर मेरा ससुराल है तो मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मैं शादी के लिए जा रही हूँ, एक शादी है मेरी भांजी की तो मैं उसे अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। तो इसके लिए अब मैं बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगी और कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किधर किधर रुकते हैं, हम सब आपके साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चलिए तो अब हम लोग निकल रहे हैं, मैं कान्हा जी को लेके जा रही हूँ, तो मैं कान्हा जी को उठा लेती हूँ इनको, और इनका बैग भी ले लेती हूँ। ये रहे मेरे कान्हा जी, और हम लोग अब निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए, तो मिलते हैं हम आपको गाड़ी में। क्योंकि बाइक से जा रहा है। चलो चलता रहने दो, ऐसी ज्यादा बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एमएनपी में, एमएनपी में भी चल रहे होंगे।
लोग आ चुके हैं नरसिंहपुर और हम लोग नाइट में यहीं होटल में स्टे करेंगे, तो आज हमको यहीं रुकना है। सुबह हम फिर निकलेंगे ग्वालियर के लिए। तो ये बैठे हैं हमारे कान्हा जी, इन्होंने खाना खा लिया, भूख लग गया है, पूजा हो गई है, और अभी हम लोग भी खाना खा के और फिर सोएंगे और फिर मिलेंगे आपसे सुबह। तो सुबह का वीडियो मैं डालूँगी और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा सफ़र कैसा रहा। बाय।